hi my beautiful scorpio and welcome to floral tarot reader how you guys are doing scorpio thank you so much just maybe मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली अ रियलीस स्कॉर्पियो मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर है व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस ओके स्कॉर्पियो ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जी हाँ फिर से पॉपुलर डिमांड में सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है इश्यूज हैं और इफ यू जनरली वॉन्ट टू चेक चेकॉजी आप वीडियो देख सकते हो सो so लेट्स को अपने दिलों दिमाग में रखिए और ये रीडिंग आरंभ कर दीजिए एक फ्लिप हुआ इसी को देख लेते हैं. लिव एंड लर्न एक्सपीरियंस ट्रेनिंग डेवलपमेंट ओके स्कॉर्पियो कोच एडवाइस ओबीडियंस नॉलेज एंड विथड्रॉल क्विट अवेकनिंग रिजेक्शन आपके आपके पर्सन की एज हो सकती है ट्वेंटी सेवन लकी नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है नाइन फाइव एंड सिक्स आपके आपके पर्सन का लकी नंबर नाइन फाइव एंड सिक्स हो सकता है लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स यहाँ थोड़ा रख लेता हायर बींग्स एंसेस्टर्स लव लाइफ और god, as a jump, Let's check. Okay, eight of ones. Scorpio in the month of September, 2024. Let's see. Let's cut the deck. Current energies of mutual energies between both of you is star. Very nice. Current energies of your person is two of swords. Intention of your person is ten of swords.

ये पता हूँ क्या यहाँ मुझे टिपिकल एनर्जी पता हूँ क्या दिख रही है स्कॉर्पियो कि इंसान जब ये ये वो वाला कैरेक्टर दिख रहा है मुझे कैटरीना कैफ का कैरेक्टर सिंगज किंग में सोनिया का कैरेक्टर हाँ सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कैटरीना कैफ प्यार कर प्यार में पड़ जाती है अक्षय कुमार से लास्ट तक वो प्यार में रहती फिनलोग की शादी हो जाती है उस सिचुएशन में सो मुझे वही दिख रहा है कि इंसान को प्यार है आपसे दे हैव दिस फीलिंग फॉर यू they have a they feel a strong emotional connection with you but ये ना अभी क्या हो रहा है ना कि ये बड़े ये बहुत emotionally unavailable है ये अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं मुझे, मुझे स्कॉर्पियो से मोहब्बत है मुझे, मुझे स्कॉर्पियो से मुझे स्कॉर्पियो बहुत अच्छा लगता है तो क्या हुआ आप दोनों मिले अब दोनों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन डेवलप हुआ लिटरली वेरी गुड कनेक्शन लाइक मुझे दिख रहा है आप लोग किस्मत से मिले हो बहुत अच्छा कनेक्शन है आप लोग लिटरली अट्रैक्टेड हो इमोशनल हो मेंटली बहुत कंपैटिबल हो आप प्यार में गिर गए स्कॉर्पियो ये भी प्यार में बट फिर उन्होंने कह दिया कि नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर रिलेशनशिप आई मैं कंफ्यूज हूँ मैं, मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है कैंसर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है बस ये कन्फ्यूज है अपने कन्फ्यूज है अपने माइंड में दिमाग से कन्फ्यूज है बट ये कन्फ्यूजन हट रही है ये आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं 10 से 10 से 20 दिन के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट के साथ साथ ये पर्सन कमिटमेंट दे रहे हैं आपको यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दिख रहा है शादी वाला अगर है तो प्लीज क्वेश्चन uh, है तो पर्सनली कनेक्ट करो Let's get started with your reading. Mutual energies between both of you. Oh God, you guys are missing each other a lot, Scorpio. Oh, मुझे और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है स्कॉर्पियो की like आपको, आपको यार ये इंसान बहुत सुंदर है बहुत इमोशनल है बहुत केयरिंग है ये इतनी इमोशनल वॉल क्यों बना रखी है आपके आपका पर्सन यारीज बताऊ स्कॉर्पियो दे रियली really लव यू ये एक बहुत कम है इन्होंने नहीं बताया ये बहुत कम एक्सप्रेसिव है बट जो ये फील करते हैं आपके साथ स्कॉर्पियो बहुत टाइम बाद बहुत मंथ ईयर्स बाद ये वैसा कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज में भले ही बात नहीं हो रही है आप दोनों की आपने कॉन्टेक्ट नहीं कियाटेक्ट छोड़ा इस पर्सन से जो कि दिख रहा है भले कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा बट आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हो एक दूसरे के लिए दुआ करते हो कि मेरा पर्सन सही से रहे अच्छे से रहे खुश रहे आपका पर्सन भी सेम फील कर रहा जो फीलिंग्स आपकी है ना स्कॉर्पियो जैसा आप फील करो ना प्यार अगर आप प्यार केयर लव सब फील करो एग्जैक्टली आपका पर्सन सेम चीज फील कर रहा है और यहाँ पे देखो स्वन है मेरे हिसाब से बस पेशेंस रखो स्कॉर्पियो दिस पर्सन इज कमिंग एंड

Literally, मेरे हिसाब से आप लोग के जो दोस्त हैं इनके स्पेशली दोस्त इनके स्पेशली जस्ट गेटिंग एन एनर्जी इनके दोस्त इनको बोल रहे हैं भाई यू रियली लाइक स्कॉर्पियो आप जाओ रिलेशनशिप में आओ आप मूव ऑन करो लाइफ में इनके दोस्त तो हैं वो वो इन लिटरली ने कह रहे हैं धकेल रहे हैं आपकी तरफ और दोस्त हैं या कोई मेंटोर है इनकी मम्मी है इनके इनकी भाई बहन या कोई हो सकता है जो इन्हें बोल रहा है कि यार तुम क्या कर रहे हो इतना अच्छा पर्सन मिला है स्कॉर्पियो तुम जाओ स्कॉर्पियो के पास बस करंट एनर्जी में कन्फ्यूज है समझ नहीं आ रहा है आ, मतलब हाथ नहीं बंधे, बस आंख में पट्टी बंधी है बस समझ नहीं आ रहा और ऐसे चल रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या मुझे स्कॉर्पियो के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए क्या मेरा फिर से दिल ना टूट जाए ये ना हो जाए वो ना हो जाए तो कंफ्यूजन ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी इंटेंशन की बात करी जाए ना मेरे हिसाब से तो इनके जो आसपास के लोग हैं Uh, इनके आस पास के लोग हैं और इनका जो स्पिरिट एंजल है स्पिरिट एंजल सबके होते हैं इनका स्पिरिट एंजल भगवान भी थक गए हैं कि भाई कब तक वो ओल्ड कैसेट सुनोगे कब तक वो पुरानी कैसेट रिपीट करते रहोगे कि मेरा दिल टूटा था इनका दिल टूटा हुआ है इन पास में कि मेरा दिल टूटा था मेरे साथ धोखा हुआ था मेरे साथ ये हुआ था मेरे हुआ पास वो हुआ था इनके दोस्त यूनिवर्स इनको सिग्नल दे रहा है कि अब बस कर लो बहुत हो गया अब आगे बढ़ो लाइफ में

ये अपने पास को अब ये लेट गो करने की एनर्जी में आ रहे हैं ये रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे स्कॉर्पियो से खूबसूरत इंसान अंदरूनी खूबसूरती की बात कर रही हूँ अंदरूनी खूबसूरती वाला इंसान मुझे नहीं मिल सकता है तो मुझे स्कॉर्पियो के पास जाना चाहते मेरे हिसाब से आपने इस पर्सन को लिटरली यू हैव हील्ड आपकी आप शायद खुद एक हीलर हो सकते हो आपने इस पर्सन को हील किया आपने कुछ कुछ ऐसा कोई हीलिंग एनर्जी नहीं भेजी नो बट योर प्रेजेंस योर ऑरा हैज हील्ड दिस पर्सन

आपको ये है स्कॉर्पियो आप बहुत सीधी बात करते हो मुद्दे की बात करते हो आप ब्लंट आप वैसे नहीं हो कि रूड हो बट आप वो सीधी मुद्दे की बात सिंपलिस्टिक मतलब हो आपका ये एनर्जी आ रही है uh, मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो यू आर इन दिस प्लेस दैट आप कोई अनइमोशनल पीप अनइमोशनल पीपल से डील ही नहीं करना चाहते हो मतलब आपका ये है कि यू फॉर्म द गुड कनेक्शन विद दिस पर्सन और इस पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए मैं तो सिंगल ही रहूंगा आप प्लीज मूव ऑन करो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है और अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है और आप उम्मीद पालो तो आप बेवकूफ है मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बोलती हूँ और मैं ये चीज प्रमोट करती हूँ दैट इफ यू आर इफ यू आर टॉकिंग टू समन और सामने वाला आपको बोल रहा है ये चीज डे वन से दैट आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस मुझसे शादी कमिटमेंट मत एक्सपेक्ट करना तो अगर आप उम्मीदें पाल रहे हो तो भाई गलती आपकी है तब गलती सामने वाले की नहीं है यहां पे ये भी नहीं दिख रहा है कि पर्सन ने आपको बोल रखा कि नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर रिलेशनशिप ये बस कंफ्यूज है आपका माइंड अब ये बन गया है स्कॉर्पियो ठीक है हमारे बीच में कनेक्शन था हमारा इमोशनल कनेक्शन हुआ हम दोनों लिटरली इतने कंपैटिबल हैं एंड यू शायद आपने उस पर्सन को प्रपोज किया आपने कन्फेस्ट किया इन्होंने मना कर दिया या बोला तो मैं तो कंफ्यूज हूँ मैं तो तुम बुलावला आपने कहा जय माता दी जाओ यहां से

कि अगर ये होना होगा ये वापस आएगा नहीं होना होगा तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ ऑल्सो मुझे दिख रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत खराब चल रही है आपके करियर में प्रोफेशनल लाइफ में इतनी बैंड बजी हुई है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है इस पर्सन के बारे में ऑप्सेस्ड होने का ये भी मुझे दिख रहा है सो यू आर इन दिस हेड स्पेस कि मैं अब चेज नहीं करूंगा मैं अब चेज नहीं करूंगी यू आर लाइक ही इसको आना होगा आएगा मुझे कमिटमेंट देगा नहीं आना होगा आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ अगर मुझे कोई दूसरा पर्सन मिलता है तो वेल एन को नहीं मिलता है तो मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ ऑलरेडी मेरे करियर में या मेरी पढ़ाई लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं उसमें फोकस कर रहा हूँ कर रही हूँ एंड विच इज वेरी गुड स्कॉर्पियो जो लोग ऑप्सेस्ड हो रहे हैं जो लोग परेशान हो रहे इतना ऑप्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है इफ इट्स मेन टू बी इट विल बी इफ इट नॉट टू लाइफ गोज ऑन आगे बढ़ो लाइफ में

नहीं तो कॉग्रेचुलेशन रेबी करना तो वेरी वेरी गुड ऑल्सो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत दोगे लिटरली आई एम यू गिव अदर परफ्यूम्स मुझे कैंडल की एनर्जी आ रही कैंडल्स देते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करोगे आई एम सीइंग आप दोनों शॉपिंग साथ में बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में एंड मेरे हिसाब से साल के एंड तक आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो यू गाइस आर कमिंग इन टू आर रिलेशनशिप स्कॉर्पियो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा है एम्प्रेस का यही मतलब है और यहाँ पे मुझे वो नहीं दिख रहा कि वो डेटिंग हो रही है आई एम सींग अ प्रॉपर रिलेशनशिप अ लविंग केयरिंग रिलेशनशिप इफ यू आर अ वमेन वॉचिंग दिस वीडियो स्कॉर्पियो दिस पर्सन विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन लाइक एन एम्प्रेस ये लिटरली आपकी 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 पूजा करेंगे मत पूजा करना मतलब ये ये पर्सन आपको इतना प्यार करेगा इतना केयर करेगा इतना रिस्पेक्ट करेगा ये कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होंगे कभी भी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेंगे आपसे बहुत आपको प्रिंसेस एंड क्वींस की तरह ट्रीट करेंगे ये पर्सन एंड इफ इफ यू अगर आप किसी लड़के की एनर्जी चेक करा रहे हो तो ये आई एम सॉरी अगर आप किसी लड़की की एनर्जी चेक करा रहे हो इनके एनर, ये बहुत नर्चरिंग और बहुत केयरिंग एनर्जी में होंगी ब्यूटिफुल दिस वॉज योर रीडिंग क्लेम करो ये रीडिंग स्कॉर्पियो एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो बुड बाय